हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो फाइलम कॉर्डाटा को कैसे अलग अलग छोटे छोटे सब फाइलम्स में बांटा गया है, अपन इसको देखेंगे। और कल जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फाइलम कॉर्डाटा है उसको पहले तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। और यूरोकॉर्डाटा और सिफेलोकॉर्डाटा को जोड़ के एक साथ बोला गया प्रोटोकॉर्डाटा। तो इन प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा को कैसे छोटे छोटे सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया और क्लासेस में डिवाइड किया गया, अपन इसके बारे में जानेंगे। और बेसिकली प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूरो वर्टिब्रेटा इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन कॉर्डेटा। अपन ने क्लासीफाई किया था इसको यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा में, जिसमें अपन ने बोला कि यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा जो है उसको मिला के अपन बोल सकते हैं कि वो प्रोटोकॉर्डेटा है। कॉर्डेट्स को अपन ने यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट्स में डिफ्रेंशिएट किया था, और सिफेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स को जोड़ के अपन बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। तो यहाँ पे आप लिखो प्रोटोकॉर्डेट्स, और यहां पे आपके थे वर्टिब्रेट्स। तो ये दोनों हो गए, आप इसको यूरोकॉर्डेट्स भी या यू कॉर्डेट्स भी बोल सकते हो। ई यू, यू मतलब ट्रू कॉर्डेट्स, ई यू यू कॉर्डेट्स, ठीक है। तो यहां पे आ गए आपके प्रोटोकॉर्डेट्स, यहां पे आ गए आपके वर्टिब्रेट्स या यू कॉर्डेट्स। अब इसके आगे अपन देखते हैं कि इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया है, क्योंकि फाइलम कॉर्डाटा बहुत बड़ा फाइलम है। अब इतने बड़े फाइलम में इतने सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, इतने सारे प्राणी आते हैं, तो उनको पढ़ने के लिए भी हमें उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स पे क्लासिफाई करना ज़रूरी है। अगर हम उन्हें क्लासिफाई नहीं करेंगे, अगर आपको पता नहीं होगा कि मैं पर्टिकुलरली जूलॉजी पढ़ाता हूँ, तब आप कैसे पहचानोगे कि मैं कौन हूँ? आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ, एक सर है जो SMDT कॉलेज में पर्टिकुलर साइंस डिपार्टमेंट में जूलॉजी पढ़ाते हैं, तब जाके आप क्लासिफाई कर पाओगे कि हाँ सिद्धार्थ सर वो है। उसी प्रकार से कॉर्डेटा में एक ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग कैरेक्टर्स के आधार पे अगर जब तक हम लोग क्लासिफाई नहीं करेंगे तो तब तक हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। अपन ने क्लासिफाई किया प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स या यू कॉर्डेट्स में। अब फर्दर इसको अगर क्लासिफाई करेंगे तो प्रोटोकॉर्डेट्स को अपन क्लासिफाई कर सकते हैं हेमिकॉर्डेट्स में। थ्री पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं हेमिकॉर्डेट्स, नेक्स्ट इज यू कॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। एंड सिफेलोकॉर्डेटा, यहां भी सिफेलोकॉर्डेटा आ रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट्स हैं, उसके अंडर सिफेलोकॉर्डेट्स आ रहे हैं, तो इनके भी अपन कैरेक्टर्स पढ़ेंगे। सो हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स। एंड फर्दर अपन क्लासिफाई करेंगे अगर वर्टिब्रेटा को, तो इसमें से आते हैं एग्नाथा और ग्लैंथोस्टोमाटा। ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको अगर अपन क्लासिफाई करें एग्नाथा एंड ग्लैंथोस्टोमाटा, एग्नाथा एंड ग्लैंथोस्टोमाटा। अब आगे इन तीनों को क्लासेस में अगर डिवाइड करें, प्रोटोकॉर्डेट्स में ये जो तीनों हैं सब फाइलम्स, इन सब फाइलम्स को अगर क्लासेस में डिवाइड करें तो क्या क्या आएगा? इसको, इसको एंड इसको, तीनों को अलग अलग क्लासेस में अपन डिवाइड करें। तो अगर हेमिकॉर्डेट्स के सब फाइलम्स को डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा को अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा एंटेरोप्न्यूस्टा, एंटेरोप्न्यूस्टा एंड टेरोब्रांसिया। पी साइलेंट है, याद रखना, जैसे टेरिडोफाइट में पी साइलेंट होता है वैसे ही पी लिखा हुआ है, पर वो टेरिडोब्रांसिया ही है, पी साइलेंट है। ओके, अब नेक्स्ट है यूरोकॉर्डेटा, इनको क्लासिफाई किया गया है एस्कीडिया, थैलियसिया और लार्वेसिया में।
एस्केडिया, लार्वेसिया एंड फाइनल इज थैलिएसिया। नेक्स्ट सिफेलोकॉर्डेट्स में अगर आ जाते हैं, सिफेलोकॉर्डेट्स को क्लासिफाई किया गया है लेप्टोकॉर्डाई में, लेप्टोकॉर्डाई, सिफेलोकॉर्डेट्स को क्लासिफाई किया गया है लेप्टोकॉर्डाई में। सो अपन ने देखा हेमिकॉर्डेट्स को एंट्रोपन्यूस्टा और टेरोब्रांशिया, यूरोकॉर्डेट्स को एस्किडिया, लार्वेसिया, थैलिएसिया एंड सिफेलोकॉर्डेट्स को लेप्टोकॉर्डाई में किया गया है। नाउ वर्टिब्रेट्स में अगर आते हैं एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमाटा को, तो इन सबको सुपर क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। ग्नाथोस्टोमाटा को अगर आप देखें तो इनको सुपर क्लास में क्लासिफाई किया गया है। दो सुपर क्लासेस हैं, सुपर क्लासेस मतलब क्लासेस से ऊपर एक पर्टिकुलर, आपको क्लास के ऊपर, अगर फाइलम के नीचे आए तो क्लास आती है, तो फाइलम एंड क्लास के बीच में अगर आप देख लो तो आता है आपका सुपर क्लास। इसमें आप ला लो फिशेज एंड टेट्रापोड्स, फिशेज एंड टेट्रापोड्स ये दोनों आ जाएंगे। एंड फिशेज में आपको आ जाएंगे प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रोसाइट्स, नीचे ही मैं लिख देता हूँ या मैं ऊपर लिख देता हूँ इन चीजों को, फिशेज और टेट्रापोड्स। तो इसको आप यहां पे देखिएगा, फिशेस को जो डिवाइड किया गया है प्लैकोडर्मी, पीसेस को प्लैकोडर्मी, कॉन्डिसाइट्स एंड ऑस्टिसाइट्स में तीन सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया, तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया सुपर क्लास पीसेस को। पीसेस इज सुपर क्लास। नेक्स्ट लेके चलो अपन टेट्रापोड्स में, तो टेट्रापोड्स में आपको जाने पहचाने नाम दिखाई देंगे। टेट्रापोड्स को अगर आप देखो तो सबसे पहले आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, नेक्स्ट आपका आता है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, या मैमेलिया, मैमल्स और मैमेलिया आप दोनों को में कुछ बोल सकते हैं। तो ये था बेसिक क्लासिफिकेशन। अगर आप देखो तो अपना कॉर्डेटा जो फाइलम है, बहुत बड़ा फाइलम है, इनमें अलग अलग सब फाइलम और क्लासेस, सुपर क्लासेस आते हैं, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को छोटे पार्ट्स में कुछ कैरेक्टर्स के आधार पर डिवाइड कर सकें, जिससे उन्हें पहचानने में हमें आसानी रहे और उनके कैरेक्टर्स के बारे में हमें पता रहे। अब अपन बेसिक डिफरेंसेस देखते हैं कि भाई प्रोटोकॉर्डेट्स एंड वर्टिब्रेट्स में असल में डिफरेंसेस है क्या। ये तो सिर्फ इसके क्लासिफिकेशन थे, इनके सुपर क्लासेस और कुछ फाइलम्स के नाम थे। अब अपन बेसिक डिफरेंस देखते हैं कि प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट या हायर कॉर्डेटा बोला जाए, इनमें क्या डिफरेंस है। प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, एनी आइडिया। प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यू कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है। यू कॉर्डेट्स को एडवांस कॉर्डेट्स बोला जाता है, ये हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एडवांस ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले तो देख लो कि ये स्मॉल साइज्ड होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट स्मॉल साइज्ड, यूजुअली मैराइन,
मैराइन होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और दूसरे अगर आप यू कॉर्डेट्स की बात करें तो एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। तो लार्ज साइज्ड एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, ओके। सो दिस इज लार्ज साइज्ड एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल यूरोकॉर्डेट्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मतलब कुछ एक्स्ट्रा ग्रोन ऑर्गन्स आते हैं जिनके बेसिस पे, जिनके हेल्प से अपन मूवमेंट भी कर सकते हैं। आप इंसेक्ट्स में देखो या कई जगहों पे तो एक्स्ट्रा ग्रोन ऑर्गन्स आते हैं, उनको अपन अपेंडेजेस बोलते हैं। तो यहां पे अगर आप अपेंडेजेस को देखो, इफ यू सी अपेंडेजेस इन प्रोटोकॉर्डेट्स, तो दीज अपेंडेजेस आर हेड और एक्सोस्केलेटन में एब्सेंट होता है। अपेंडेजेस होते हैं हेड एंड एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट, ओके। नाउ इन यूरोकॉर्डेट्स दो पेयर होते हैं अपेंडेजेस के, और हेड भी होता है और एक्सोस्केलेटन भी होता है। टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस एंड हेड एंड एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, ओके। सो वन डिफरेंस इज कि यहां पे हेड और एक्सोस्केलेटन नहीं होता है, एब्सेंट होता है प्रोटोकॉर्डेट्स में, बट इन यूरोकॉर्डेट्स हेड और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो सिलोम होता है। अब यहां पे अगर सिलोम अगर देखें, एंटेरोसिलोमिक, आप प्रीवियस वीडियो देखेगा उसमें आपको सिलोम के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि एंटेरोसिलोमिक किसे बोलते हैं। एंड सिलोम यहां पे देखे शिजोसिलोमिक। सो इन प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स आर एंटेरोसिलोमिक एंड यूकॉर्डेट्स आर शिजोसिलोमिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होते हैं हैविंग परमानेंट गिल स्लिट्स, या फिर गिल्स लिख दो, फेरिंग्स हैविंग परमानेंट गिल्स स्लिट्स, ओके। फेरिंग्स में गिल स्लिट्स परमानेंटली प्रेजेंट रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। एंड यहां पे देखा जाए फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो है आर, अब फेरिंजियल गिल स्लिट्स यहां पे तो परमानेंटली प्रेजेंट है, पर यहां प्रेजेंट होंगे बट बाद में वो डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब आगे के स्टेज पे वो डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर। फेरिंजियल गिल स्लिट्स आर डिसअपियर, ओके। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो हार्ट के बारे में देख सकते हैं, हार्ट कैसा होगा इनका। हार्ट अपन अगर इसका देखें फर्स्ट प्रोटोकॉर्डेट्स का, तो जो प्रोटोकॉर्डेट्स के हार्ट होते हैं वो विदाउट एनी चैम्बर होते हैं, इनके हार्ट्स में चैम्बर नहीं होता, विदाउट चैम्बर। और यहां पे देखो तो दो तीन चार चैम्बर्स मिलते हैं, टू थ्री फोर चैम्बर्स, ओके। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेज इन हार्ट्स ऑफ बोथ प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा, और यू कैन से वर्टिब्रेटा, ये डिफरेंस होता है। इनकी जो किडनीज होती है वो यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रोटोनेफ्रिक होती है, और यहाँ पे देखो तो मीजो या मेटानेफ्रिक होती है। तो ये एक पॉइंट और लिख लेना आप, ऊपर मैं मिटाता हूँ, ये पॉइंट्स लिख लेना, जो इनकी किडनी होगी वो इनकी प्रोटोनेफ्रिक एंड इनकी मेजो या फिर मेटानेफ्रिक।
ह्यूमंस की किडनी किस टाइप की होती है आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ह्यूमन की किडनी किस टाइप की होती है, प्रोटो मेजो मेटा, वैसे ये बहुत आसान सा सवाल है बट फिर भी एक बार कोशिश करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि ह्यूमंस की किडनी प्रोटोनेफ्रिक होती है, मेजोनेफ्रिक होती है या मेटानेफ्रिक होती है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है प्रोटोकॉर्डेट्स का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है इनडायरेक्ट, और आप यहीं यूरोकॉर्डेट्स में देखो तो इनके अंदर इनडायरेक्ट के साथ साथ डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है, मतलब स्टेजेस नहीं होते डिफरेंट डेवलपमेंट के अंदर, लार्वल स्टेज से एडल्ट बनने में बहुत सारे स्टेजेस बीच में नहीं आते, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। एंड इसके आगे अगर हम देखें तो जनरली यहां पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है, प्रीडोमिनेंटली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस वर्ड के बारे में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या होता है, तो प्रीडोमिनेंटली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थोड़ा डोमिनेंट होता है, जनरली ज्यादातर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलता है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटोकॉर्डेट्स एंड इन यूरोकॉर्डेट्स इफ यू से तो ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर प्रेजेंट, only sexual reproduction, यहां पे predominant है मतलब यहां पे sexual also present, कभी कभी ज्यादा नहीं बट कभी कभार sexual reproduction भी protocordates में पाया जाता है। तो these are the some basic difference between protocordates and eukaryotes। अपन देखें तो प्रोटोकॉर्डेट्स जो कि थोड़े लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं कॉर्डेट्स में पहले आते हैं, एंड यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो हाइयर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हम भी आते हैं नेक्स्ट में जाके, तो एडवांस ऑर्गेनिज्म यूरोकॉर्डेट्स में आएंगे, यूकॉर्डेट्स में आएंगे सॉरी, एंड जो कम एडवांस होंगे थोड़े से अनडेवलप्ड होंगे वो प्रोटोकॉर्डेट्स में आएंगे, जिनमें आपकी किडनी जो है वो यहाँ पे प्रोटोनेफ्रिक है, यहाँ मेजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक है, यहाँ पे डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट, और यहाँ पे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट भी है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ है पर ज्यादातर एसेक्सुअल होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन ओनली सेक्सुअल होगा, सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे फेरिंग्स जो होंगे उसमें परमानेंटली गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे जो फेरिंग्स होंगे उसमें जो गिल स्लिट्स होंगे वो आगे चलकर डिसअपीयर हो जाएंगे मैच्योरिटी के फेज में, हार्ट जो यहाँ पे होगा वो विदाउट एनी चैम्बर होगा, और अगर हम यहाँ पे यूकॉर्डेट्स की बात करें तो जो हार्ट होगा वो 2, 3 या 4 चैम्बर्स का होगा। तो ये बेसिक डिफरेंस था प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यूकॉर्डेट्स के बीच में, कॉर्डाटा को 2 टाइप में डिवाइड किया गया प्रोटो एंड यूकॉर्डेट्स, इसके बीच में ये बेसिक डिफरेंस था। होपफुली आपको शायद ये सब चीज़ें समझ में आई हो और आपने इसे कॉपी में नोट किया हो, तो अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो कोई भी क्यूरी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। सो टिल देन आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ के याद जरूर कीजिएगा, बिकॉज ये जो पूरे के पूरे एक एक पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है, एक एक चीज़ को अगर आप देखे जाओ चाहे वो किडनी हो चाहे वो डेवलपमेंट हो चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, आप अगर इसको टेब्यूलर फॉर्म में लिख के रखोगे तो आप बाद में कभी भी पढ़ोगे आपको 5 मिनट लगेंगे वापस सब चीज़ याद करने में। सो आज का टॉपिक अपन यहीं पर ख़त्म करते हैं, टिल देन स्टे सेफ स्टे एट योर होम एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।